नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रसाद, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अभी इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो मेरा पिछला वीडियो था उसमें हमने बताया कि जो डिवाइस पैक्स D180 है वो BOV में कैसे कॉन्फ़िगर होता है, कौन सा यूज़ होता है। अभी इस वीडियो में हम जानेंगे कि PNP में कौन सा डिवाइस कॉन्फ़िगर होता है। तो सबसे पहले ये रहा मेरा डिवाइस, ठीक है, ये इसका बॉक्स आता है था। उसके बाद में इसके अंदर फिर से एक बार USB केबल आता है। उसके बाद में इसका मैनुअल आता है, ठीक है, इस तरह का मैनुअल है। इसके बाद में इसका बॉक्स आता है। इसके बाद में इसका USB केबल लगभग 1.5 मीटर का रहेगा। उसके बाद में बॉक्स के पीछे आप देखेंगे यहाँ पे रहेगा D180 का बारकोड स्कैनर, उसमें यहाँ पे इसका सीरियल नंबर लिखा हुआ रहता है, ठीक है, और इस टाइप में बॉक्स आता है। तो अभी इस डिवाइस को हम शुरू करते हैं, पावर ऑन करते हैं। अभी ये डिवाइस आपके सामने है। सबसे पहले जिनको मालूम नहीं है पैक्स D180 के बारे में, उनके लिए मैं मोटा मोटा जानकारी थोड़ा दे देता हूँ। अभी इसमें ये डिवाइस है, राइट, यहाँ पे जो आप स्विच देख रहे हैं यहाँ पे पावर ऑन पावर ऑफ का बटन है। इसके बाद में यहाँ पे जो एक स्वाइप कार्ड के लिए दिया हुआ है फेस, यहाँ पे कार्ड स्वाइप किया जाता है। उसके बाद में जो माइक्रोचिप वाला कार्ड होता है वो यहाँ पे इस स्लॉट में लगता है। उसके बाद में यहाँ पे USB चार्जिंग केबल है, ठीक है, तो ये USB चार्जिंग केबल आपको डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए यूज करनी होती है। अभी यहाँ पे मैं डिवाइस का पावर ऑन करता हूँ, ठीक है, तो इस तरह से बटन को प्रेस करना होता है। तो ये प्रेस करके रखा तो अभी डिवाइस का पावर ऑन शुरू हुआ है। देखिए, तो अभी इस तरह का स्क्रीन आएगा आपके सामने, अगर आपको ये डिवाइस PNB में यूज करना है तो इस तरह से आपको PNB में यूज करना हो तो इस तरह का स्क्रीन आएगा, ठीक है। तो अभी इसके बाद में आपको अभी मोटा मोटा जानकारी मैं दे देता हूँ। यहाँ पे न्यूमेरिक कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, थीके? उसके बाद में यहाँ पे कैंसिल का बटन है, यहाँ पे क्लियर का और यहाँ पे एंटर का। जैसा कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि आपको अगर ट्रांजैक्शन करते हैं पिन कोड एंटर करना होता है और वहाँ पे एंटर करके आप प्रेस कर सकते हैं, मतलब आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होगा। यदि कोई ट्रांजैक्शन में कोई आपका पिन कोड गलत दब गया होगा, मतलब गलत एंटर किया गया होगा, तो उस समय आपको क्लियर बटन यूज करना है। अगर आपको वो ट्रांजैक्शन करना ही नहीं है तो कैंसिल कर लेना, सिंपली इतना ही इसका यूज है। अभी अभी बहुत से लोगों का क्यूरियस था कि हम हमारे पास में एक पैक्स का डिवाइस है, फिनो का है, पेन ईयर वाई का है, वो डिवाइस PNB में यूज नहीं हो रहा है। तो देखिए, जैसे भी आपका जो डिवाइस नो प्रोग्राम दिखा रहा है वो डिवाइस PNB में कॉन्फिगर नहीं होगा, PNB में भी नहीं होगा, बैंक ऑफ इंडिया में भी नहीं होगा, यूनियन बैंक में भी नहीं होगा, उसके लिए लगता है पूरा बैंक ब्लैंक डिवाइस, जैसा कि ये आपको मैंने इस तरह दिखाया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ BOB का डिवाइस किस तरह से होता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा का जो BOB का डिवाइस है वो किस तरह से होता है। अभी ये नया डिवाइस है, ठीक है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, बॉक्स से निकालता हूँ। अभी सिंपली मैं इसको क्या करूँगा, पावर ऑन करूँगा, आप देख लीजिए पावर ऑन हो रहा है, देखिए इस तरह से लिखा हुआ आता है। उसके बाद में यहाँ पे आ चुका है वेलकम स्क्रीन, ठीक है, तो इस तरह से वेलकम आता है। अभी ये डिवाइस आप BOB में यूज करेंगे तो इसका बिल्कुल यूज होगा, BOB में चलेगा। अब इस तरह से आपको ये डिवाइस जो है दो वेरिएंट में आता है, मतलब कलर इसके दो आते हैं। अभी ये जो देख रहे हैं वो ब्लैक कलर है, ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ उसका ग्रे कलर। तो ये रहा ये डिवाइस, तो ये रहा उसका ग्रे कलर। अभी ये दोनों डिवाइस आप देखेंगे, इसका भी मैं ऑन करता हूँ। तो ये रहा अपना इसमें कलर वेरिएंट, ठीक है। तो अभी जैसे कि लोग पूछते हैं कि जब आप देते हैं डिवाइस को तो पूछते हैं कि ये आपने ब्लैक दे दिया, ये ओल्ड वाला ये नहीं चलेगा, तो ऐसा कोई मानना नहीं है। ओल्ड और इसका दो टाइप के कलर कॉम्बिनेशन के साथ में पैक्स D180 आता है। अभी इसमें बड़ी चीज है कि आपको चेक क्या करना होता है इस डिवाइस में आने के बाद, पीछे देखो जब आप देखते हैं यहाँ पे मॉडल D180, अगर आप BOB में, PNB में, अगर यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ बैंक ऑफ इंडिया में यूज करना करेंगे डिवाइस, तो आपको सिंपली D180 डिवाइस ही लगेगा। उसका आप चेक कर लेना इस तरह से स्पेसिफिकेशन, उसके बाद में सीरियल नंबर चेक कर लेना,
ये आपको दिखेगा। अभी इसमें मैं आता हूँ, आपको आपको ऑपरेशन करना होगा तो आपको एंटर दबा के सीधा प्रेस करना होता है, ठीक है। तो आपको जो भी ऑपरेशन रहेगा, इसमें दो वेरिएंट आता है, ब्लूटूथ से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं और आपको यूएसबी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस तरह से करना होता है। अभी इसका पावर ऑन करने का बटन सिंपली यही है और पावर ऑफ करने का बटन भी सिंपली यही है। अभी यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो सिंपल से सेल्फ स्टेस आएगा और वेलकम आएगा, और पावर ऑफ करने के लिए सिंपल पावर ऑन ऑफ बटन प्रेस करके रखना है, मतलब ये हो चुका है पावर ऑफ। तो अभी आपको अगर देखना होगा इस डिवाइस में सीरियल चिप कैसे इंसर्ट होते, तो वो भी हम शो करते हैं, बट मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी ये रहा मेरा एक बैंक का एटीएम है, ठीक है। इसमें अभी मैं दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे देखिए चिप वगैरह है, चिप। अभी यहाँ पे आपको चिप जो कार्ड है यहाँ पे इंसर्ट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे इंसर्ट करना होता है इस तरह से, तो आपका जो कार्ड है सिम कार्ड वो इंसर्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे चिप अगर रहेगा। तो अगर नहीं रहेगा तो सिंपली आपके यहाँ पे जो भी साइन रहेगा, मतलब ये ब्लू वाला, तो अब देखिए यहाँ पे ऐसा इंसर्ट यहाँ आपको करना है, और आपका सिंपली ऐसा करना है, जो चिप है इस साइड लगेगा और इस तरह से आपको करना है। तो ये इस टाइप में आपको परफॉर्म करना है। तो लगभग मैंने इस वीडियो में आपको सभी डाउट क्लियर किए रहेंगे। अब ये देख सकते हैं आपके तीनों टाइप के डिवाइस मैंने आपको दिखा दिए, बीओबी का, पीएनबी का और यूनियन बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडियन बैंक ऑफ बैंक इंडियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो तीनों टाइप में डिवाइस मतलब कॉन्फिगर है। अभी पीएनबी का हाल ही में लॉन्च हुआ है और बहुत से लोग बोलते हैं कि उनका कॉन्फिगर नहीं हो रहा है, तो होगा ही नहीं, आपको उसके लिए सिंपली बैंक ब्लैंक डिवाइस लगेगा। इसका कॉस्ट अराउंड आपको 5000 पर डिवाइस जाएगा, इसका थोड़ा कम भी हो सकता है, कुछ ज़्यादा भी सकता है। अगर बहुत से लोग ऑनलाइन लेते हैं तो ऑनलाइन मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप ऑनलाइन मत लीजिए, क्योंकि इसका कोई गारंटी वारंटी आपको ऑनलाइन कोई देगा नहीं, ठीक है। तो आप इससे बेटर है कि आप सीधा किसी सेलर से कॉन्टैक्ट करिए, उनके थ्रू ही ले लीजिए, मतलब आपको जो भी सपोर्ट रहेगा वो आपको दे देंगे। तो अभी मोटा मोटा चीज़ मैंने आपको सभी को बता दिया है इस वीडियो में। अगर आपको ये डिवाइस के बारे में कुछ भी और जानकारी चाहिए रहेंगी तो आप नीचे के नंबर पे कांटेक्ट करिए और मुझे मेल आईडी भी कर सकते हैं। तो जिस हिसाब से अगर आपको लेना हो या कोई कांटेक्ट समस्या हो तो हमें कांटेक्ट करिए, कंपनी का नाम मैंने आपको नीचे दे दूंगा, उसमें आप कॉन्टैक्ट करिए। अभी फिलहाल इस वीडियो में लिए इतना ही, थैंक यू सर, थैंक यू।